बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और जहाँ पर इसका ओनर है बादशाह एसर के और उनका वाइफ गौरी खान। और आज मैं जवान फिल्म का प्रोडक्शन बैनर में रिलीज हुआ सारे फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो सो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और ये 2000 में आई सैटायर कॉमेडी फिल्म जहाँ पर बादशाह एसआर के और जूही चावला लीड रोल में थी, पर ये रहा फ्लॉप। नंबर टू अशोका। ये 2001 में आई एपिक हिस्ट्री का फिल्म जहाँ पर एसआर के थलाजीत कुमार करीना लीड रोल में थी, पर ये भी रहा फ्लॉप। नंबर थ्री चलते चलते। 2003 में आई एसआर के का रोमांटिक फिल्म जहाँ पर फिल्म को ज़्यादातर मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बजट था 11 करोड़। ये फिल्म दिया है इंडिया नेट पे 20, वर्ल्ड वाइड पे 40 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा हिट। नंबर फोर मैं हूं ना। 2004 में आई मसाला फिल्म, इसमें एक सीबीआई ऑफिसर मेजर राम कैसे कॉलेज का स्टूडेंट बन के पूरे कॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं वही इसमें दिखी है। बजट था 25 करोड़, इंडिया नेट पे दिया है 40 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे दिया है 75 करोड़ की कलेक्शन, और ये रहा सुपर हिट। नंबर फाइव काल। 2005 में आई सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म और इसमें सुपरस्टार अजय देवगन जॉन अब्राहम लीड रोल में था, ये रहा एवरेज। नंबर सिक्स पाहिली। ये एसआरके का फैंटेसी फिल्म था, पर ये रहा फ्लॉप। नंबर सेवन ओम शांति ओम। 2007 में आई फैंटेसी मेलोड्रामा फिल्म, इसमें एसआरके और दीपिका की केमिस्ट्री सबको किया है इम्प्रेस्ड। इसका स्टोरी पुनर्जन्म पर बेस्ड था, बजट था 35 करोड़, ये फिल्म दिया है इंडिया नेट पे 80 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे 150 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर एट बिल्लू। 2009 में आई इरफान खान एसआरके का फिल्म जहाँ पर एक गरीब बार-बार बिल्लू का स्टोरी को दिखी है, पर ये रहा एवरेज। नंबर नाइन ऑलवेज कभी कभी। 2011 में आई रोम कॉम फिल्म, पर ये रहा फ्लॉप। नंबर टेन रावण। 2011 में आई सुपर हीरो फिल्म, इसमें एक वर्चुअल गेम के अंदर से हीरो और क्रिमिनल के बीच में फाइटिंग को दिखी है। बजट था 110 करोड़, ये फिल्म इंटरनेट पे दिया है 118 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे दिया है 206 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा एवरेज। नंबर 11 डॉन 2। 2011 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म जहाँ पर एसआरके का स्वाग, उनका नेगेटिव शेड और डायलॉग डिलीवरी सबको किया है शॉक्ड। और इस फिल्म के दौरान एसआरके ने प्रूव किया है कि वो है बॉलीवुड का असली डॉन। बजट था 75 करोड़, इंटरनेट पे ये दिया है 108 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे 220 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा सुपर हिट। नंबर 12 स्टूडेंट ऑफ द ईयर। 2012 का कमिंग ऑफ एज रोमांटिक फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा आलिया भट्ट और वरुण धवन का डेब्यू फिल्म था। बजट था 60 करोड़, ये फिल्म दिया है 80 करोड़ की कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड पे दिया है 100 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा हिट। नंबर 13 चेन्नई एक्सप्रेस। 2013 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म जहाँ पर राहुल और मीना के बीच में लव स्टोरी के साथ जुड़ा कर एक क्रिमिनल फैमिली का स्टोरी को दिखी है, और सो को वन ऑफ द बेस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। बजट था 100 करोड़, ये फिल्म दिया है इंडिया नेट पे 228 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे 425 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 14 हैप्पी न्यू ईयर। 2014 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म जहाँ पर एक डांस गैंग का स्टोरी को दिखी है। बजट था 150, ये फिल्म दिया है इंडिया नेट पे 200, वर्ल्ड वाइड पे 400 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा हिट। नंबर 15 दिलवाले। 2015 का रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म जहाँ पर दो माफिया फैमिली का स्टोरी को दिखी है, ये रहा एवरेज। नंबर 16 डियर जिंदगी। 2016 का कमिंग ऑफ एज फिल्म जहाँ पर आलिया को एक एक्सपायरिंग सिनेमाटोग्राफर और एसआरके को साइकोलॉजिस्ट जहांगीर के रोल में नजर आई है। बजट था 30 करोड़, ये फिल्म इंडिया नेट पे 68 करोड़, वर्ल्ड वाइड पे दिया है 136 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा सुपर हिट। नंबर 17 रेस। 2017 का एक्शन क्राइम फिल्म, इसमें एसआरके ने प्ले किया है क्रिमिनल अब्दुल लतीफ का रोल। बजट था 80 करोड़, इंडिया नेट पे 138, वर्ल्ड वाइड पे दिया है 281 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा हिट। नंबर 18 जब हैरी मेट सेजल। 2017 का रोम कॉम फिल्म जहाँ पर एसआरके अनुष्का लीड रोल में नजर आई है, पर ये रहा फ्लॉप। नंबर 19 इत्तेफाक। 2017 में आई नियोनर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म
पर ये रहा एवरेज। नंबर 20 बदला 2019 में आई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जहाँ पर बिग बी अमिताभ जी तब से लीड रोल में नजर आई है और इसका स्टोरी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नायना की स्टोरी पर बेस्ड है। बजट था 20 करोड़। यह फिल्म इंडिया नेट पे 86, वर्ल्ड वाइड पे दिया है 140 करोड़ की कलेक्शन। ये रहा सुपर हिट। नंबर 21 क्लास ऑफ 83 2020 का क्राइम थ्रिलर फिल्म जहाँ पर बॉबी देओल को एक पुलिस मैन की रोल में नजर आई है और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। ये डिजिटली रहा हिट। नंबर 22 जीरो 2018 में आई रोम कॉम फिल्म जहाँ पर एसआरके ने एक फिजिकली शॉर्ट लड़का बबुआ का रोल प्ले किया है। बजट था 200 करोड़। ये फिल्म इंडिया नेट पे सिर्फ 98, वर्ल्ड वाइड पे 140 करोड़ की कलेक्शन दिया है। ये रहा डिजास्टर। नंबर 23 कामयाब 2018 का फिल्म रहा जहाँ था, ये रहा फ्लॉप। नंबर 24 बॉब विश्वास 2021 का क्राइम थ्रिलर फिल्म, ये G5 पर रिलीज हुआ था और डिजिटली रहा हिट। नंबर 25 लव होस्टल 2022 का रोमांटिक थ्रिलर फिल्म, ये फिल्म G5 पर रिलीज हुआ था और ये डिजिटली रहा हिट। नंबर 27 डार्लिंग्स 2022 का रहा डार्क कॉमेडी फिल्म और इसमें बद्रुन्निसा और शामशु की मैरिड लाइफ से जुड़ा का स्टोरी को दिखी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और ये डिजिटली रहा हिट। नंबर 27 जवान और ये है 2023 का मोस्ट हाइप एक्शन थ्रिलर फिल्म जहाँ पर बर्षा एसआरके को डबल रोल में नजर आएंगे साथ में है, जिसका बजट रखा गया है 300 करोड़ और ये एसआरके का कैरियर में सबसे बिग बजट फिल्म है और जिसका ट्रेलर और गाना ऑलरेडी सबको किया है इम्प्रेस्ड। और जवान फिल्म पैन इंडिया लेवल पे 7 सितंबर हो रहा है रिलीज और जवान अनडाउटली पठान का रिकॉर्ड तोड़कर एसआरके का कैरियर में और एक 1000 प्लस करोड़ वाला फिल्म साबित होगा। तो उस जवान का लाइफ टाइम कलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट पे बताइए। नंबर 28 डंकी, ये भी एसआरके का अपकमिंग ड्रामा फिल्म है जिसको डेट करने वाले हैं राजकुमार हिरानी ने। इसमें एक पंजाबी लड़का का इलीगल जर्नी को हाईलाइट की जाएगा और इसमें एसआरके का होगा इमोशनल एफ्टर जो रिलीज होगा इसी साल 22 दिसंबर 2023 में। तो सो ये रहा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की बैनर में बनने हुआ सारे फिल्मों का कलेक्शन के बारे में। तो इस लिस्ट पर कौन सी फिल्म आपका पसंद वाला है कमेंट पे बताइए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडिया स्वीट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।